एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, बहुत सारा मुस्कुरा रहे होंगे। तो आज है थर्सडे और अभी आफ्टरनून का 1 o'clock हो गया है। तो अभी मैं किचन में खड़ी हूँ क्योंकि मुझे बनाना है लंच। और आज इस छोटे वाले बदमाश का ना होम डे होता है और सुबह से आज ये इतना ज़्यादा नॉटी हो रहा है ना कि आप पूछिए मत। पहले ये जितना ज़्यादा सीधा हुआ करता था ना, अब उतना ही ज़्यादा नॉटी हो गया है। आप इसका बैठने का स्टाइल देखिए। पहले तो किचन में काउंटर टॉप के ऊपर अपना स्टूल लगा के, अपनी गद्दी लगा के विराजमान हो रखे हैं ये। और इनको अब कौन समझाए कि ये गिर सकते हैं? कोई नहीं समझा सकता आपको नहीं। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है आजकल, ये बहुत नॉटी हो गया है। अभी किचन में इसलिए बैठा है क्योंकि इसको अपने लिए पराठा बनाना है। तो अभी मैं इसके साथ मिलके इसका पराठा बनाऊंगी। आज मैं लंच में अपने लिए दूध दलिया बनाने वाली हूँ, तो सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दूध दलिया की रेसिपी आप लोगों को चाहिए। और कुछ तो मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बस मेरी यही दुआ रहेगी भगवान से कि आप, आपकी फैमिली, आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, सब लोग बहुत हेल्दी रहें, खुश रहें। तो चलिए अभी हम लोग दूध दलिया बनाते हैं। और गोविंद के लिए आज मैं पराठा बनाने वाली हूँ क्योंकि दलिया मेरे घर में सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है ना। तो अंशुल खाते हैं ना गोविंद खाता। तो ये है मेरा रोस्टेड दलिया। मैं जैसे ही मार्केट से दलिया लेकर आती हूँ उसको रोस्ट करके इस तरीके से एक एयरटाइट कंटेनर में रख लेती हूँ। और जब भी मुझे बनाना होता है इस तरीके से मैं फिर से यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ बस खाली। तो मैंने ये 1/4 कटोरी दलिया, ये बस इतना मेरे लिए सफिशेंट होगा। कुकर में मैंने दलिया ऐड कर लिया, नमक जस्ट थोड़ा सा और एक कटोरी पानी। और अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पे 2 whistles के लिए कुक करूँगी। 2 whistles में मेरा अच्छे से दलिया देखिए पक गया है। अभी मैं इसके अंदर 1 कटोरी मिल्क ऐड कर रही हूँ और अभी हाई फ्लेम पे हम इसे चालू रखेंगे जिससे कि मिल्क और दलिया जो है आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। थोड़ा सा थिक हो जाएगा मिल्क और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मेरा दलिया रेडी हो गया है। तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अब हम इसको टॉप करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, जस्ट 1 teaspoon। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी किशमिश, फिर मैं ऐड करूँगी थोड़े से आलमंड फ्लेक्स और एक साइड में ऐड करूँगी थोड़े से चिया सीड्स। और ये रेडी हो गया मेरा हेल्दी लंच। न्यू मदर्स के लिए तो ये रेसिपी एकदम अच्छी है बिकॉज इसमें आपको ना कुछ भी कटिंग चॉपिंग कुछ नहीं करना। तो अगर आपके बच्चे खाना बनाने भी नहीं दे रहे, रो रहे हैं, तब भी आप बस गैस पे चढ़ा दो और ये अपने आप बन जाएगा। उसके बाद आप इसे आराम से खा सकते हो। मैं तो अक्सर यही खाती थी लंच में क्योंकि आप सब जानते हो मैं यहाँ अकेली रहती थी। डे टाइम में तो स्पेशली गोविंद को देखने के लिए कोई नहीं होता था, तो मैं ये बना लेती थी और फटाफट अपना इंजॉय कर लेती थी लंच। तो यस, ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, लैक्टेशन में भी हेल्प करता है न्यू मदर्स को। तो आप लोग भी खाइएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा दूध दलिया। आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले इंडिया के सामान वाले ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया था, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपको बहुत अच्छा लगा, माँ का प्यार फील हुआ, कनेक्शन फील हुआ, थैंक यू सो मच। बहुत लवली कमेंट्स मुझे उस पर रिसीव हुए और पढ़ के ना मुझे और ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मम्मी ने किस तरीके से सामान पैक करके भेजा है। तो वो ना जिप लॉक बैग्स थे। लोकल कन्फेक्शनरी शॉप पर ही आजकल जो लोग अपना सामान पैक करके बेचते हैं ना, वहाँ पे आपको ये वाले जिप लॉक बैग्स मिल जाएंगे। तो मैंने मम्मी से पूछा था, वो 5 rupees का एक पैक मम्मी ने बाय किया था एंड उसमें फिर अपना सामान डाल के जिप लॉक कर दिया और उसके बाद उसी वाली शॉप पे ले जाके स्टैंपिंग करा ली। बेसिकली उनके पास एक मशीन रहती है, बड़ी सी होती है, स्टेपलर टाइप, और उसके अंदर वो पैकेट को रख के ना सील कर देते हैं तो कोई भी सामान फिर लीक नहीं होता। मैं अभी जब इंडिया गई थी तो खुद भी नींबू का अचार लेकर आई थी जिसमें अच्छी खासी चाशनी रहती है, तो कुछ भी लीक नहीं हुआ था। तो यस, अचार वगैरह आप आराम से ला सकते हो, अच्छे वाले जो थोड़े ये थिक वाले जिप लॉक बैग्स होते हैं। तो मार्केट से स्पेशली आप लोग बाय करके उसके अंदर सामान डाल के लाना, कभी भी लीक नहीं होगा। मैंने रिसेंटली ये 3 nail paints लिए हैं वॉलमार्ट से। आप लोग सब बोल रहे थे कि मैं शेयर करूं, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। एक ये सिंफुल कलर्स का है जो मैंने अभी करंटली वेयर किया हुआ है। इसका नंबर है 940 Rise and Shine।
और ये दो सबसे ज़्यादा महंगे हैं, मैं कभी नहीं खरीदती OPI के नेल पेंट्स, क्योंकि ये $9 का एक नेल पेंट है। तो एक ये वाला मैंने ख़रीदा, चॉकलेटी ब्राउन कलर है, और एक ये है, इसका नाम है ब्लैक चेरी 8057, और ये है शैम्पियन टोस्ट 8024। ये वाला मैंने लगा के देख लिया, काफ़ी अच्छा कलर है, चिप भी नहीं होता, बट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आई ऑलवेज गो फॉर सिंफुल कलर्स जो $2-3 में आ जाते हैं, तो थोड़ी बचत हो जाती है। $9 में 3 नेल पेंट्स आ जाते हैं, और ये $9 का एक नेल पेंट आता है। आज डिनर में मैं अचारी पनीर बना रही हूँ, और उसके लिए ना मैरिनेट बना के रखना ज़रूरी होता है, तो 1 या 2 hours के लिए मैरिनेट आप बना के रख दो, उसके बाद फिर बनाओ ना उसे, कुक करो, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने सोचा पहले मैं मैरिनेट बना लेती हूँ, बाकी के शाम के जो काम होते हैं वो बाद में करूँगी। तो सब चॉपिंग वगैरह भी मैंने कर ली है, और सबसे पहले इसमें ना जो मसाले हम डालते हैं उनको अच्छे से भून के अगर आप डालो ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तवा मैंने मीडियम फ्लेम पे कर लिया, अब इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी सौंफ, 1 चम्मच करियांडर सीड्स, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 teaspoon मेथी सीड्स। मोटर पेसल से मैं बस इसे थोड़ा सा कोर्सली कूट लूंगी। यहाँ पे मैंने अराउंड 1.5 cup दही लिया है, और ये पनीर मैंने कट करके रख लिया है ट्रायंगुलर शेप में, अनियन कट कर लिया है, कलरफुल बेल पेपर ग्रीन कलर की भी आप खाली ले सकते हैं, और मैंने थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक भी चॉप कर लिया। अब दही में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हींग, सारे मसाले कूट के रखे हैं वो ऐड कर दिया, ऊपर से मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी ऑयल, थोड़ी सी फिर इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, 1 teaspoon लेमन जूस और नमक। और बस इसके बाद हम इसके अंदर अपनी सारी वेजीज एक साथ ऐड कर दूंगी, मैं पनीर भी ऐड कर दूंगी। और अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और बस ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसे मैं ना फ्रिज में रख दूंगी, 2 hours तक रखूंगी, और फिर आप देखिएगा ये कितना अच्छा बनता है। सुबह से लगातार काम करते रहो ना तो इस टाइम बहुत थकान सी लगने लगती है। मैं बस अपने लिए ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ, आकर बैठी हूँ सोफा पे, अब बस थोड़ी देर बैठ के डोज ऑफ सुकून लूँगी, टीवी देखूंगी, कभी कभी तो ना कुछ भी रैंडम लगा लेती हूँ, बस बॉलीवुड सॉन्ग्स ही चलते रहेंगे, मैं बैठ के देखती रहूँगी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बस बैठ के कुछ ना करो, कुछ भी, बस एमलेसली ऐसे बैठे रहो और थोड़ा सा मी टाइम इन्जॉय करो, फिर ना शाम को ऐसे चिड़चिड़ाहट नहीं होती काम करने में, क्योंकि गोविंद उठ जाता है, जिसके भी इतने छोटे बच्चे होते हैं सब समझते हैं कि सारा दिन हमें ऑन टोज रहना पड़ता है, या तो उनके साथ खेलो या फिर घर का काम करो, तो अपने साथ टाइम ही नहीं मिल पाता, इसीलिए दिन में 2 बार तो मी टाइम ज़रूरी है, 1 बार सुबह का और 1 बार दोपहर या शाम को। तो बस अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी, अपना मी टाइम इन्जॉय करूँगी, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, और उसके बाद फिर से वही शाम के काम स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा मैरिनेट तो अच्छा बना है, बट एक्चुअली मैंने ना दही घर का यूज़ किया है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी रहता है, तो थोड़ा सा पतला है और कोटिंग कम हुई है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना हंकर्ड यूज़ करना, या फिर जो बाज़ार का ग्रीक योगर्ट आता है ना वो यूज़ करना, तो कोटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो बस अभी हम लोग इसे बनाएंगे, अब बनाने में कोई मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी, पैन में जस्ट थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लूँगी, और ये पूरा मैं बैटर जो मिक्सचर है मेरा मैरिनेट वो डाल दूँगी, और बस इसे सेक लूँगी बहुत आहिस्ता से, जिससे कि मेरा पनीर ना टूटे। और यहाँ पे इस लिटिल मैन की शैतानियाँ चल रही हैं। शैतानी नहीं चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने आप सॉक्स पहनी है। अच्छा, अब गोविंद अपने आप सॉक्स पहनता है, गुड जॉब। जब मुझे प्लेग्राउंड जाना होगा तो मैं फिर से पहनूंगा। गुड, कार्टून है ये। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटे में आज मैं थोड़ा सा फ्लैक्स सीड पाउडर ऐड करूंगी। अगर आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, तो कभी कभार अपने आटे में फ्लैक्स सीड जरूर ऐड करिएगा, ये बहुत अच्छी होती है।
तो ये देखिए मेरी अचारी पनीर रेडी है. ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी और फिर इसे सर्व करूंगी. मेरी किचन का काम सारा खत्म हो गया है. लास्ट में बस मैं छोले भिगो कर आई हूँ, बिकॉज आप सब जानते हो कल फ्राइडे है, तो कल अंशुल कुक करेंगे डिनर, तो उन्होंने बोला कि छोले भिगो दो क्योंकि वो कुछ कल बनाने वाले हैं. और कल गोविंद का स्कूल में स्कूल शूट है, तो उसके लिए क्लोथ्स मैंने सब रेडी करके रख दिया. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत एक्साइटेड कर देती हैं और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों में ना. तो उसके अच्छे से कपड़े आयरन करके और पूरा तैयार व्यार करके मैंने रख दिया है. मैंने आप लोगों को अभी इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज मैंने सोचा मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं गोविंद को कैसे ड्रेसअप कर रही हूँ उसके स्कूल के शूट के लिए. और यस, आप कह सकते हो मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुश करती हैं. एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि आपको लाइफ में ना इन छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करना चाहिए, रिलिश करना चाहिए, क्योंकि दिन भर में ना हज़ारों ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको पुट डाउन करती हैं, आपको सैड करती हैं, बट खुशी बहुत कम चीज़ों से मिलती है. तो कभी भी कोई बड़ी खुशी के लिए वेट ना करें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में उसमें खुशियाँ ढूंढें, तो बड़ी चीज़ भी कभी ना कभी तो आपके पास आ ही जाएगी. तो यस, इस पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. होप करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग. अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें ऐसे हैप्पी ब्लॉग्स देखना पसंद है. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ. इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM ज़रूर करना, बिकॉज जब आप मुझे DM करते हो ना तो मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है. एंड जो मुझे DM करता है, जो कॉमेंट्स रेगुलरली करते हैं ना, उनके साथ तो बहुत एक अच्छा कनेक्शन सा है. मुझे पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. एंड फिर से मिलेंगे कल के व्लॉग में. तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड छोटी छोटी खुशियों में ही, छोटे छोटे मोमेंट्स में ही खुशियां ढूंढिए और बहुत सारी मेमोरीज बनाते रहिए. टेक केयर, बाय, गुड नाइट.